मौसम विभाग ने मॉनसून का प्रारंभिक अनुमान आशाजनक लगाया है। जून जुलाई में वर्षा सामान्य है, अच्छी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तब आगामी खरीफ की फसलें अच्छी उतरने की संभावना बन सकती है। वैसे बीते वर्ष में खरीफ फसलें खराब होने से किसानों की कमर टूट गई थी। एक अन्य निजी एजेंसी ने भी अल नीनो के टच से बने रहने की संभावना व्यक्त की है। वर्ष 2020 में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की आशा व्यक्त की है। व्यापारिक संगठनों द्वारा मंडियां बंद करने का निर्णय एक तरफा माना जा सकता है। शुरुआती दौर में आगामी मानसून की खबरें आशाजनक आ रही हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान से पता चलता है कि इस वर्ष मई जून और जुलाई में अल नीनो शांत रहेगा अथवा ये कह सकते हैं कि तटस्थ रह सकता है। उल्लेखनीय है कि अल नीनो के दौरान आमतौर पर वर्षा कम होती है अथवा सूखा पड़ने की संज्ञा दी जा सकती है। इससे खरीफ फसलों को नुकसान होता है। खरीफ में बोनी वर्षा पर निर्धारित होती है। यदि खरीफ सीजन के दौरान जून जुलाई में वर्षा कम होती है तब पूरा वर्ष बिगड़ जाता है। पिछले वर्ष अल नीनो की वजह से फसलें बोनी कम मात्रा में हुई और फसल तैयार होने के समय कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई जिससे फसलें बुरी तरह से खराब हो गई थी। हालांकि खरीफ सीजन में अंत में हुई वर्षा से रबी फसलों को अधिक लाभ मिला, बोनी अधिक मात्रा में हुई थी और मौसम पूरे चार माह अनुकूल बना रहा जिससे उत्पादकता बढ़कर आने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार जुलाई बाद समुद्र की सतह के तापमान में और गिरावट आ सकती है। इससे आने वाले महीनों में अल नीनो की संभावना जोड़ पकड़ सकती है और आगामी माह में अधिक वर्षा होने के आसार बन सकते हैं। मौसम विभाग के इन संकेतों से आभास होता है कि आगामी मानसून सामान्य रह सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में जून माह में मानसून प्रवेश करता है। जुलाई अंत तक खरीफ की बोनी होती है। जून जुलाई में बोनी के बाद फसलों को एक दो वर्षा की सख्त जरूरत होती है। यदि वर्षा सामान्य रूप से हो जाती है तब पूरा वर्ष कृषि एवं सामान्य अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के प्रदर्शन में अल नीनो बड़ी भूमिका निभाती है। निजी एजेंसी स्काईमेट द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 135 वर्षों के दौरान वर्ष 1880 से 2014 तक अल नीनो वाले लगभग 90% वर्षों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।